नीति के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ी वो सीधा सीधा लगता है कि उसके एकदम कॉन्ट्रास्ट में आपको दिखेगा। यह वर्ण व्यवस्था को एक तरीके से री इन्फोर्स करने का दस्तावेज है। व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है, मैं तो प्रोफेसर हूँ, क्यों सड़क पे हूँ, क्यों डायसेंट, क्यों आवाज उठा रहा हूँ। ये लड़ाई इस देश को बचाने की है, इस समाज को बचाने की है कि देश अपने आप में एक मानचित्र सिर्फ नहीं होता है, देश लोगों से बनता है। क्या ये बताएं प्रधानमंत्री जी मातृभाषा में पढ़ाने की बात कर रहे हैं? संस्कृति स्कूल में और दून स्कूल में और DPS में वही लागू करेंगे क्या? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि मंत्री के बच्चे और कलेक्टर और सेक्रेटरी के बच्चे क्या उसी शैली में पढ़ेंगे जिस शैली में सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएगी। मोदी जी और सरकार ये बताएं कि कौन सी संस्कृति जीवित करना चाहते हैं। उसमें लिख के लाए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में और बल्लभी में मनुवाद पढ़ाया जाता था कि बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, ये उनको बताना होगा। और ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अपने अपने घर से थोड़ा सफाई वाई अभियान शुरू कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। नई शिक्षा नीति जो है सीधा और सीधा संविधान और राष्ट्र विरोधी। संविधान के प्रियम्बल को ले लीजिए और नई शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, वो सीधा सीधा लगता है कि उसके एकदम कॉन्ट्रास्ट में आपको दिखेगा। यह वर्ण व्यवस्था को एक तरीके से री इन्फोर्स करने का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है ये। इसमें पूंजी की लीला और जनऊ लीला दोनों का कॉम्बिनेशन है। EWS इतना जो है ढोल बजा के लाया गया था, EWS कोई बता दे कि EWS के बारे में उसमें क्या प्रोविजन है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बाबा साहब की वजह तक यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे गोली मार लो, मेरे दलित भाइयों को नहीं मारो। आखिर इस दस्तावेज में रिजर्वेशन को लेकर क्या प्रोविजन है, सोशल जस्टिस को लेकर क्या प्रोविजन है? ये सीधा और सीधा अपर क्लास के, अपर कास्ट के जो धनी लोग हैं उनको हित पहुंचाने के लिए, इसको बेचने के लिए। आप कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं होता, IIT खुला, मेडिकल खुला, इसको हम लोग कहाँ पढ़े? प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से अपना वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिए, कहाँ से लिए? तो वो जो है आखिर विश्वविद्यालय थे ना, भारत सरकार विश्वविद्यालय चला रही थी ना, तो सारा संसाधन बेचने की तैयारी है। इसलिए आज ये बड़ा स्टूडेंट पार्लियामेंट हुआ है आयशा के बैनर तले। देश भर के तमाम स्टूडेंट एक्टिविस्ट सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसका विरोध। देखिए, ऐसी बात नहीं कि तानाशाह सरकार है, ये हारी नहीं है, ये कई बार हमारे सामने हारी है। और आपको 2 अप्रैल का आंदोलन भी याद होगा, 18, 5 मार्च 2019 का आंदोलन भी याद होगा, किसान आंदोलन भी है। तो अभी तो ये छात्र संसद है, ये पूरे भारत वर्ष को इस छात्र संसद के रूप में तब्दील हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये हर, चाहे मजदूर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे क्रिमिनल्स भी हो, अपराधी भी हो, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े। और ये ऐसा है कि सबके दरवाजे को बंद कर देगा, इसीलिए हम इसके विरोध में आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए वैसे वैसे जो जो प्रवृत्तियां हैं, वैसे टेंडेंसीज हैं, उसको दबाने के लिए नई शिक्षा नीति आई है। प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, राष्ट्रपति दलित हैं। और कितना यूनिवर्सिटी में अभी लक्ष्मण ने RTI लगाया था, वह आंकड़ा आप सबके पास आ गया होगा। एवरेज 90% से ज्यादा SC ST OBC के प्रोफेसर पद खाली है, उसको खत्म करने के लिए ये पूरा जो है दस्तावेज लाया गया। हमारे कई साथी ने यहाँ पे ये बातें कही हैं, तो ये बात समझने की है। और देखिए, ये व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है, मैं तो प्रोफेसर हूँ, क्यों सड़क पे हूँ, क्यों डायसेंट, क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ। ये लड़ाई इस देश को बचाने की है, इस समाज को बचाने की है कि देश अपने आप में एक मानचित्र सिर्फ नहीं होता है, देश लोगों से बनता है। क्या ये बताएं प्रधानमंत्री जी मातृभाषा में पढ़ाने की बात कर रहे हैं? संस्कृति स्कूल में और दून स्कूल में और DPS में वही लागू करेंगे क्या? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि मंत्री के बच्चे
और कलेक्टर और सेक्रेटरी के बच्चे क्या उसी शैली में पढ़ेंगे जिस शैली में सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएगी। तो सीधा और सीधा ये भारत को विभाजित करने की पॉलिसी है, इसलिए इसका विरोध लगातार होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बार बार कह रहा हूँ, हजारों प्रोफेसर होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU में, हजार लोग लगातार आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन इसी में से दर्जन लोग तो उठ सकते हैं। इनके दमनकारी नीति के खिलाफ कहाँ कौन डरा, कुछ लोग तो है जो नहीं डर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे जो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं, इसको क्रश करने के लिए ये पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। न्यू इसमें कुछ नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है। IIT खुलते और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी खोली है ना, तो इस सरकार का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो मॉडर्न एजुकेशन का एंटीथेसिस है। वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं करना चाहती है। बार बार डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो संस्कृत और संस्कृति का बार बार जिक्र है, हजारों साल पहले पुरानी संस्कृति को जीवित करेंगे। मोदी जी और सरकार ये बताएं कि कौन सी संस्कृति जीवित करना चाहते हैं। उसमें लिख के लाए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में और बल्लभी में मनुवाद पढ़ाया जाता था कि बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, ये उनको बताना होगा। तो जब मार्केटिंग करना होता है तो उनको बुद्धिज्म याद आ जाता है। विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ आते हैं तो बल्लभी के नाम लेते हैं लेकिन उसमें पढ़वाएंगे मनु का सिलेबस बनवाएंगे। अगर इतना ही आपको बल्लभी से और इतना ही आपको तक्षशिला से नालंदा से मोहब्बत है, तो आजकल खुदाई चल रहा है ना हर जगह, जितने बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, जितने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें कब्जा किया हुआ है, उसको ये सरकार वापस दिलाए। जहाँ जहाँ एक्सकवेशन हो रहे हैं स्थल में, धार्मिक स्थल के, थोड़ा डीप एक्सकवेशन हो ताकि वहाँ से अंदर हो सके बौद्ध विहार मिले। ये पूरे भारत भर में फैले हुए। डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से मैंने बोला है, आपने सुना होगा कि पांडुरंग के बारे में उन्होंने कहा था और कई बुद्धिस्ट साइट के बारे में कि मैं दावे के साथ कह सकता, साबित कर सकता हूँ कि यह बुद्धिस्ट साइट है। तो बौद्ध साहित्य, बौद्ध जितने स्तूप हैं, अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, कहाँ गए वो बौद्ध स्तूप? तो ढूंढें। और बौद्धिस्टों को मैं तो आह्वान कर रहा हूँ कि इस देश को संविधान, इस देश के लोग जो संविधान को मानते हैं या जो बौद्ध हैं, मॉन्क हैं, बौद्ध मानने वाले हैं, जो प्लुरालिटी में, मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करते हैं, उन सबको ये चाहिए कि जितने बौद्ध स्थलों पर है ना किसी का भी कब्जा हो, चाहे घर बनाया हो, चाहे मंदिर बनाया हो, अब शिवलिंग में बौद्ध निकल रहे हैं है ना, बुद्ध की मूर्ति को जो है विष्णु बना दिया गया है, उस सारे के घर वापसी होनी चाहिए। जितने ट्राइबल लोगों के देवी देवताओं को सबने कब्जा किया हुआ है, उस सारे के घर वापसी आंदोलन कराना चाहिए। घर वापसी का मतलब सिर्फ उनका घर वापसी नहीं है। और ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अपने अपने घर से थोड़ा सफाई वाई अभियान शुरू कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। सर, जिस तरीके से अभी श्रुति शर्मा हैं वो अभी टॉप करी हैं, जिस JNU सर अभी ये जो NEP वगैरह है, इसके बोल लिए बोल चुका हूँ ना, आपने इंटरव्यू नहीं सुना। IAS टॉप कौन कर रहा है, IIT टॉप कर, उससे हमारी दिलचस्पी उसमें नहीं है बहुत ज्यादा। बोलते हैं ना कि उसी जामिया JNU से टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला जाता है, और उसी से ही वहां भारत सरकार से जब आप पूछिए कि जामिया में वो लड़की कोचिंग की है तो कहीं एंटी नेशनल तो नहीं हो गई है? जो कौन था, एक चौहान के है, तो वो भाषा रहता है तलवार, उनसे जाकर पूछिए कि वो लड़की आपकी बच्ची जो है ना श्रुति, वो जामिया में कोचिंग करके आई है, कहीं एंटी नेशनल तो नहीं होगी, ये पूछिए उनसे। अभी NEP को लेकर ही यहाँ पर जो है मुद्दा गरमाया हुआ है, शिक्षा नीति को लेकर जो है जिस तरीके की राजनीति की जा रही है शिक्षा नीति के ऊपर, और जिस तरीके से शिक्षा को दबाने का एजेंडा किया जा रहा है और पॉलिटिक्स की जा रही है जिस तरीके से शिक्षा पर, और शिक्षा का बाजारीकरण जो है वो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है इस NEP के चलते, उसी के चलते यहाँ पर छात्र और प्रोफेसर लोग सारे मौजूद थे, और अभी हमने उन्हीं लोगों से बात की, प्रोफेसर रतन लाल जी से मैंने बात की, मगर अभी वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, इसीलिए अभी हम इतने ही सवाल उनसे कर पाए। उसी के लिए साथ चलते देखते रहिए आप, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, दिल्ली।